कब तक का टाइम मांगा था? बस जितना शॉर्ट हमें परमिशन मिलेगी यहाँ से तो हम रवाना हो जाएंगे, फिर वहाँ जमा कराएंगे। ठीक है, वहाँ से परमिशन अलॉट होती है तो वहीं से हम जो है द्वार जहरा के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है तो भाई आ जाओ, आपको बोर्ड बुलाया है, बोर्ड में सर आज जैसे पेश करना था तो कल आपको समन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली? हमें लेटर जो है कल वार्षिक हुआ है मेडिकल बोर्ड का कल। ठीक है, तो कल ही हमने होम डिपार्टमेंट को अप्लाई कर दिया है परमिशन के लिए। ठीक है सर, अब ये कानूनी मजबूरी है, जब तक परमिशन नहीं होती है तब तक सूबे में हम जा नहीं सकते हैं। यहाँ के लिखेंगे पंजाब, पंजाब फिर अलॉट करता है। ठीक है सर, सेशन जज के पास जाते हैं कि ये कस्टडी फलां जो है ना हम लेके जा रहे हैं इस पर्पस के लिए बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम दरकार है। तो ये बताइए कि आज मेडिकल बोर्ड्स को आपने क्या पीली, क्या पेश किया, क्या बताया? यही मैंने पेश किया कि इसको लाना है क्योंकि सुबह पंजाब के लाहौर शहर में रहते हैं, हमें थ्रू अपने होम डिपार्टमेंट सेंट टू पंजाब वो परमिशन और रास्ता है आने जाने का, तो ये जो है दरकार है। जैसे ही हमें परमिशन अलाउड होती है तो हमें लाना है और फिर रास्ते का जितना टाइम है तो हमें तो डायरेक्शन कोर्ट के जितना शॉर्ट टाइम है हम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में जो है ना दे दे, जैसे परमिशन हमारा डिपेंड है परमिशन में दाखिल मिलते ही हमें जो है ना, अगर कल ही हमें लेटर आया, कल ही हमने जो है ना परमिशन अप्लाई कर दिया है, अभी जा रहे हैं होम डिपार्टमेंट ताकि हमें परमिशन आज मिलेगी तो हम आज ही निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। होम डिपार्टमेंट परमिशन के लिए कह दिया है, लिख दिया है कल निशानी सर। एक दो चीज़ें हैं जो पहले जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारे दावे किए गए थे कि लड़की के कपड़े, गाड़ी, ड्राइवर सब गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बाद फिर वो उनका था पता नहीं है वो कहाँ गए, ड्राइवर और कहाँ गए, और उसके बाद फिर वाले साहब ने आपकी तफ्तीश के ऊपर एतमाद का अदम एतमाद का इजहार किया है, वो कहते हैं कि दूसरा तफ्तीश। बात ये है कि लड़की का बयान है वो आप लोग कर चुके हो जी, यहाँ से मैं खुद गई हूँ और वहाँ मैंने खुद शादी का इजहार किया, उस पर कोई केस नहीं बनता है सिंध का। तो आपका अभी अगर कोई केस पहले तो कोई बनता ही नहीं है, बनता भी इन केस है तो लाहौर का बनता है कि वहाँ पे ही उन्होंने निकाह किया, वहाँ पे ही जो है ना नहीं उम्र। सर आपके आपके दिमाग में अभी भी ये है कि केस बनता नहीं है तो कोर्ट ने दोबारा हमारे दिमाग देखे, हमारे पास और कोई एविडेंस तो नहीं है ना सिवाय लड़की के, एफ आई आर हमारी है, लड़की 12:30 कचरा फेंकने गई घर वापस नहीं आई। नहीं सर, जैसे कोर्ट ने दोबारा कहा है कि आपको तफ्तीश करें तो आपने तो अस्यूम कर लिया कि लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है, तो फिर तफ्तीश कैसे करेंगे आप? और आपकी तफ्तीश में फिर मजीद कौन एतबार करेगा? मजीद हम तो जो कानून कहेगा, जो चश्मदीद गवाही केस चलता है गवाहों पर, आप हमें गवाह प्रोड्यूस करेंगे, हम भी ढूंढ रहे हैं। आपने पहले मिल जाएंगे, पहले भी ढूंढे, आपने तीसरा आईओ मैं हूँ। ठीक है, दो पहले रह चुके हैं। ठीक है,